हमारी सरकार बनेगी तो हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारी औपचारिकता पूरी होगी। कांग्रेस 8 महीने पहले अगर पैसा जमा कर देती तो आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा सबका लक्ष्य है, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, कोटिबंदी जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोटा में पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण हो, चाहे लैब हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, इन सब बातों को हमने पूरा किया। ऐसी योजनाएं भी लाएं जो माडा योजना के साथ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के अंदर विकास की योजनाएं लाएं। अमृत सरोवर 56 अमृत सरोवर में 100 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से सब गांव के अमृत सरोवर बने, उन तालाबों के को ठीक करें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाएं। कोटा का एयरपोर्ट भी हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोटा के एयरपोर्ट के लिए इन्होंने फॉरेस्ट की जमीन दी, फॉरेस्ट की जमीन को डाइवर्जन करा दिया। डाइवर्जन करने के बाद जो राज्य सरकार को पैसा जमा कराना था वो 8 महीने तक राज्य सरकार पैसा जमा नहीं कराई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने तुरंत पैसा जमा कराया और जो भी औपचारिकताएं होनी थी वो सारी औपचारिकता पूरी कर दिए। DPR बनने के बाद कोटा में एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है मीटिंग के अंदर, आम सभा के अंदर, जब विधानसभा चुनाव आए, हमारी सरकार बनेगी तो हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारी औपचारिकता पूरी होगी। कांग्रेस 8 महीने पहले अगर पैसा जमा कर देती तो आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। हमने आते ही 20 दिन के अंदर पैसे को जमा करा दिया है। MOU हो चुका है, केवल DPR बनने का इरादा है। DPR बनने के बाद, टेंडर लगने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला जी अपने आप में बड़ा नाम है। संसद में जाने के बाद जब आप अध्यक्ष बने तो देश में ओम बिरला जी राजनीति में एक बड़ा नाम हो गए। अब चूंकि तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता यही सोच रही है कि ओम बिरला जी अब अगली क्या भूमिका में नजर आएंगे इन चुनावों के बाद। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी हमें दायित्व देती है उसको निभाते हैं, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ओम जी, चूंकि इस चुनाव में देखा गया है कि लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के, जो पिछले दिनों की बात की जाए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि बीजेपी के उम्मीदवार भी है बांसवाड़ा सीट से, लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री रहे, इसके अलावा कई पूर्व विधायक, कई मौजूदा पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी के भी कुछ एक भूले बिसरे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, आज आपको भी टक्कर दे रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए, किस तरह देखते हैं आप उनको? देखिए, कुछ लोग विचारधारा के साथ जुड़े नहीं होते, कुछ लोग व्यक्ति का अहंकार बड़ा होता है, जो विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाता। विचारधारा के साथ कमिटमेंट, देश की सेवा का कमिटमेंट, समाज की सेवा का कमिटमेंट, और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। और व्यक्तिवादी हमारे संगठन में नहीं चलता, लेकिन अगर व्यक्तिवादी रूप से आप कहेंगे तो आप किसी भी दल में परिवर्तन करते हैं, आप इस दल में पहले थे, कभी इस दल में परिवर्तन करते हैं, तो ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिकता है कि वो किस दल में जा सकता है, लेकिन विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हमेशा पार्टी के साथ कमिटमेंट रहता है। बड़ा मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में है, कौन सा बड़ा मुद्दा है राजस्थान का? एक ही मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों से ज्यादा लाकर देश में पुनः प्रधानमंत्री बने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें, ताकि हमारे लोकप्रिय नेता की दुनिया के अंदर जो लोकप्रियता है वो और बढ़े। जनता का आशीर्वाद पूरा है, हम कभी लक्ष्य बना के नहीं चलते, हमारा लक्ष्य एक ही है कि जनता के विश्वास भरोसे को जीतें। हम मतों की गिनती के आधार में नहीं, तो मैं हमेशा कभी भी मतों का दावा कभी नहीं करता। मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनता के विश्वास भरोसे को और जीतूँ, और 2003 से मैं 5 चुनाव लड़ाऊँ, मुझे जनता ने ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, फिर मैं जनता के ज़्यादा आशीर्वाद की आशा करता हूँ। और ये चुनाव के मैदान में है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा सबका लक्ष्य है,
देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, कोटे बंदी जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे।